ऋषिकार यज्ञकुंड उपर थिबा भोला बाबा मंदिर झरणाटे पाइले आप देखुथिबे झरणा एठी काली मांकर मूर्ति रही। बंधु मु विश्वजीत आज गोटे नुआ ब्लॉक को आपको स्वागत जनाऊँ। आज आम जाऊ ढेंकानाल जिलार सप्तशय्या निकट को, तो आसत बुले जावा। तो आम एवं सप्तशय्या रास्तार जाऊ, तो दुई पार्श्वे सबुज बनानी परिपूर्ण यही रास्ता के देखु यू डाण पट को आसलु ये हूँ सप्तशय्या गोटे गाँ देखिए जो पड़ी सप्तशय्या पहाड़। यार कारण हूँ सातटी पहाड़ को मिसई सप्तशय्या पहाड़ हो, तो से सप्तशय्या पहाड़ कह जाए। तो यही रास्त देखिपे दुई पार्श्वे जो माटी घर सब रही सुंदर भाव से माटी घर को लिपा जा, तो केते सुंदर लगुच जगह चाल घर जेहेतु, तो चाल घर तो एबे प्राय विलुप्त हो गला, किंतु गाँव गहली मान जो चाल घर रही आनंदप्रद जिनिष होई। तो एबे आमे जो सप्तशय्या प्रायत तो पाखापाखि पहुँचीगल सप्तशय्या। आम एवं पहुँची जा सप्तशय्या द्वार निकट रे। तो ये जो पहाड़ रही पहाड़ जो पहाच रही, तो आम एवं पहाड़ पहाच को चढ़ी जीव। तो ये पार्श्वे झरणार पानी भी बही जा, सुंदर लगुच मनोरम लगुच शांत जगह अटे। केवल ये शीत दिन आपणकर मन को अधिका आकर्षित करिवो, किंतु वर्षक बार मास सब जेहेतु गोटे टूरिस्ट प्लेस अटे, तो आपण वर्षक बार मास जेते बेले आसिबे यार मजा नहीं पारिबे। किंतु खास करी जदि आपण शीत दिन रे आसुचंती ताहले सप्तशय्या रो नजारा टिके आउरी मनोरम होइथाय, काहेकि ना शीत रो स्पर्श रे देह को आनंदित करिथाय एवं एथिसहित आपणकर मन को बहुत खुशी आनंद दे था। मोर चित्त भाई से मो सांग आसी भाई, जगह भल लगुच बहुत बढ़िया लगुच मनोरम दृश्य झरणार पानी के गुरुकुल शब्द कर देखते। तो निहाती भाव में मो भाई जे ये हूँ खोर्धार, से मत जन कहे भाई आम सप्तशय्या के जीवा, तो गले यार मजा आम नहीं पार। तो आम दीज साथी देखी पार के दृश्यटा रही मैंने के। तो ये हूँ सप्तशय्या पहाच, तो आप देखु थे कितने सुंदर लगुच जगह, बहुत मनोरम दृश्य। दिन आठटा बेले भी सकाल आठटे भी खरार सूर्य किरण जो किरण एपर्तंत भी पड़नी, कारण ये जंगल भरा अंचल अटे घंच जंगल, तो से टे सूर्य किरण टे लेट्रे पड़ी थाए। देखु झरणार पानी बही जा, तो टे गछलता आड़ुहाल झरणार पानी बही, कितने बढ़िया लगुच। तो आपको पुराणा प्रिभस भिडे आपको देखी देवगढ़ उडुकुट जो जगह रही जगह भी यही परीक्षा होती सप्तशय्या जंगल भाई। तो आप देखु थे कते सुंदर है यार जो बैरिकेड कर बना जा देखु। ये आप देखुं ये पानी टी स्टोरेज कर झरणा पानी, तापर एमती आसिकी प्रवाहित होती। गोटे मंडप अच्छे
तो ये मंडप कौन पे तो मुझे जानी पुणी चलतु आम उपरको जीवा आम ए पहुँची जा सप्तशा मंदिर परिसर भितर तो देखुवे ये बसवाई के बढ़िया जगह रही आठ पहाड़ ऊंचा जेहेतु मुसी मत शीत भी अनुभूत हो तो केते बढ़िया रही सब आड़े गोटे गोटे पिंडी या गूल तो आपण मैंने आसवे जो एठिक फैमिली सहित आसतु बहुत मजा उठे पारे ये जगार बहुत सुंदर हो जगह देखिपे सीमेंट केमती या जगार दृश्य तो यो जगह रही सप्तशार मंदिर परिसर तो यार पार्श्वे बोह जा झरणाटे तो आप देखु झरणार पा से मंदिर पाखे तो देखिपे ये हूँ यज्ञ मंडप सप्त ऋषि एठार सात दिन रही यज्ञ करते तो देखिपे सप्त ऋषि एटार बस तो ये यज्ञ करते सात दिन पर्यंत सप्त ऋषि वाल्मीकि ऋषि आहत अन्य ऋषि मान थिले तो ये हूँ यज्ञ कुंड तो ये सेमती रही तो आपण जदि आसती देखिकी यार पौराणिक कथावस्तु विषय जानीपर ना तो मंदिर बोली कहती तो ये हूँ सप्तशार से राम मंदिर कारण राम जोबले बनवास जा तो ये बनवास समय सप्तशार सात दिन रही तो ये हूँ तांकर मंदिर लगी रघुनाथ निकट रामचंद्र विष्णु पाद विद्वा पुनर्जन्म राम मंदिर तो देखिपे सप्त सप्तशार राम सात दिन ये बनवास करते तो से आवरीमाम आम पूजक अच्छा तो पाखु पचारि बुझा कौन रही यार किंवदंती कौन रही इतिहास आमर सप्तशा सतोटी पहाड़ सतोटी गुंफा सतोटी झरणा सप्त ऋषि को लेकिन ये सप्तशा व्यतीत सप्त ऋषि मैंने ये पहाड़ साधना कर सिद्धिलाभ करते रामचंद्र स्वयं निजे आसी जगह को सप्त ऋषि को दर्शन करना यू जाते ये तार मुख्य जिनस आहाड़ मानक तो सब गुंफा रही पहाड़ तले सब झरणा भी जाइए बही जामर सदा बेले तो श्रद्धा मैंने आसती दर्शन करके यार विशेषत्व तो मंदिर जो घट निर्धारण कर दर्शक पूजापी कौन कमी यार विधि रही जी गोटे पर्यटक आसब कौ समय आसे मंदिर दर्शन करके जगह बुल प्रत्येक मंदिर जमी मैंने दर्शक आसिक दर्शन करमती आपत आसवे आम सका तो मंदिर मैंने कौन मंदिर फिटे पुणी राति आठटा नौटा बेलू मंदिर बंद हुए दीपर घंटा टे केवल ही कौन पहड़ा पड़ती ठाकुर से तो ना ये जी मान रहा किसी सुविधा करा कर हाँ जी मैंने रही भी सुविधा अच्छी आसने घर अच्छी रही पार गेस्ट रूम भी अच्छी आम से कड़े विराट बड़ मानने कोठाई मानते चली कम सी कम्प्लीट सर जी बाहर पर्यटक आसमें रही मंगला अच्छी तो ये किसी आपर वर्षकर थे जमी अगर जगार सब जोरदार जमी गोटे पूजा हुए वर्षकर जो रामनवमी हूँ ठाकुर बड़ जात्रा नौ दिन काल विशेष यज्ञ पालन हुए रामचरित मानस हुए हरिवंश हुए
तो ये कौ मास रे पड़ी थाए ए एप्रिल मास रे प्रायत हो पड़े हो आ तो केते तारीख के सेमति कैलेंडर देखि नै नै सेमति जहा पांजरी आसीला जो डेट अनुसार से होय आ तो आपण माने देखुतिले सप्तसज्या रे जे अछंती पूजक से हमकु कहुतिले एठी पंचदेवता विराजमान अछंती आपण माने देखि परथिबे जो रामक मंदिर बुली सल्ला परे तो आप भूलिबे निजे आउ गोटे मंदिर अच्छी तो आज जोटा मंदिर अच्छी तो मुनि ऋषि जो रही यज्ञकुंड यज्ञकुंड डाहाण पार्श्वर को लग रही रास्ता तो चलते जी देखा उपरे कहुच्चे शिव मंदिर एवं काली मंदिर रही तो सेठा जावा जा देखा कौन रही कौपटे बाट अच्छी कोपट बाट अच्छी चल एपट चल देखे मो भाई जी आसी कहले एपट जो रास्ताटा अच्छे रास्ताटा बोध हुए आगे क्लोज अच्छे तो से अलग रास्ता देखिए जवाब पड़े पा बही जा रास्ता टी प्रकार मटी या तो मो भाई टी मना कर रास्ता तो है आम कम जा तथा कहली मो दर्शक मानी टे चलतु तो मो दर्शक मैंने देखा चाहिए तो ये जगह जदि आम आते परिश्रम करी न बुलिले जदि आप नदेखी तहार आप मजा पाईपर तो मो भाई एवं वीरदर्पर आगे चली देखु थे टे एपटे एपटे तो ये ऊपर गोटे घर अच्छे पहाड़ पर बाबा माने रुहंती तो सेपटे रे सप्तसिद्धि मंदिर तो ये आम जाऊ जो काली मंदिर आ शिव मंदिर रही बाटे घर अच्छी भाई मो पछरे आसुचे जाऊ जगह को तो देखु सांग मैंने मो पछपटे गोटे झरणा बही जा तो देख पारे ये झरणार नजारा कितने सुंदर लगुच आम आसिक पहुँची जाठार कालीमा को मंदिर निकट रे जंगल एवं पहाड़ परिपूर्ण ए जगह तो केमती कालीमा मंदिर आप देखले ही जापर जदि एठिक आसबे तो यार बुले आप मजा नहीं पारे चलो ओहोटे बुले जा तो ये बाटे माँ को माँ अच्छा चलो चलो जोता जोता खोल दी जा तो ये आप देखु माँ का मंदिर रही तो ये सप्तसिद्धि पहाड़ उपरे माँ कालींकर
ଉଭା ହେଇଛନ୍ତି ମା ଏଠି। ତ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଏଠି କାଳୀ ମାଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ରହିଛି। ତ ଆମେ ଏବେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା, ଆଗକୁ ଆଉ କିଛି ନଥିବ ବୋଧେ, ଆଉ କିଛି ନଥିବ। ଶିବ କାଳିଦା, ଶିବ ତ ଶୋଇଛନ୍ତି, କାଳିଦା ମା ଅଛନ୍ତି। ତ ଆମେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଥିଲୁ ଏଇ ପାହାଡ଼ର ଜଙ୍ଗଲ ଭରା ରାସ୍ତାରେ। ତ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲୁ ଆଗକୁ କ'ଣ ରହିଛି। ତ କାଳୀ ମନ୍ଦିରକୁ କ୍ରସ୍ କଲା ପରେ ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ଶିବ ମନ୍ଦିର ନିକଟକୁ। ତ ଆମେ ଏବେ ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ତ ରାସ୍ତାରେ ଆସି ଆମେ ପୁରା ଥକିଗଲୁଣି, କାହିଁକିନା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପାହାଡ଼ କେଉଁ ପରିକା ହେଇଛି। ତ ଏ ପାହାଡ଼ ରାସ୍ତାକୁ ଚାଲିକି ଆସିବା ଏଠି ସହଜ କଥା ନୁହଁ, ନା କ'ଣ କହୁଛ ଭାଇ? ବହୁତ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି ନା, ବାବା ଅଛନ୍ତି ନା। ଚାଲ ତ ବାବାଙ୍କ ଭୋଳା ବାବାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ମୋ ଭାଇ ଏତେ ପରିଶ୍ରମ କରିଦେଲେ, ତ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ବି ପରିଶ୍ରମ କରୁଛି। ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ। ମନ୍ଦିର ଯା ଉପରେ ଥିବା ଭୋଳା ବାବାଙ୍କର ମନ୍ଦିର। ତ ସପ୍ତଶଯ୍ୟା ମନ୍ଦିରଟି ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ମତାମତ ଲେଖି ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାନ୍ତୁ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଲାଇକ୍ ଶେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ।